हेलो गाइस आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड हंडल व्लॉग्स। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बोलने वाला हूँ वो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा या हो सकता है, बट फिर भी मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, आप डेंटिस्ट लोगों के साथ, बडिंग डेंटिस्ट। एंड आप सबको मेरा नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:30 और जस्ट अभी एक थोड़ा सा काम खत्म करके मैं बैठा हूँ, तो मैंने सोचा चलो क्यों, पिछले एक हफ्ते से मैं अच्छे से वीडियो नहीं दे पाया हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। एंड होली के बाद भी मुझे फीवर आ गया था 2 दिन तक। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सबसे जरूरी आज टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो है ये, आपने अगर अपना क्लिनिक खोला है तो आपने जो अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट चार्जेस रखे हैं उसको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या फिर क्या किया जाए, उस बारे में चलिए आज बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताना चाहूं कि आप अपने आप को वैल्यू करते हो कि नहीं, ये आप क्वेश्चन अपने आप से पूछे और उसके बाद चार्जेस ठीक करें। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, हाउ इज योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने आप कॉन्फिडेंट है आपके वर्क में, क्या मेटेरियल यूज करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका रेट्स डिसाइड करने में। देखिए रूट कैनाल का रेट अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं आजकल 2500 से 3000 रुपीज के अंदर ही घूम रहा है, लेकिन आई नो मेनी पीपल हु चार्ज अप्रोक्सीमेटली 7000 टू 7500 और इवन 6000। देखिए हाई चार्ज फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट बिकॉज दे आर गिविंग दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, दे आर पुटिंग सो मच मनी इन द क्लिनिक, they are having a all RVG and they are having a electronic microscope, microscopic dentistry they are doing, they are using loops, yes they have to charge 8 to 9000, that depends upon you how much do you charge, how much is the clinic, what kind of patients you want to gather in your clinic, you want to achieve the cream layer, middle layer or low layer, that depends upon your clinic and that all depends upon not only you, that if you have to grow, that doesn't happen over a week or month or years, it takes years and years of hard work to reach at that level. Agar aap naye dentist hai aur main 5000 lunga root canal ke, abhi tak main 2500 le raha hu, aap kaise 5000 loge, koi nahi deta hai. So that depends upon your experience, your expertise, your practice, how are the patients coming to your clinic. So ye sab cheeze factor important hai aapke rate decide karne mein. Ji ha, aap सपोज मैं बताता हूं आपको रूट कैनाल नहीं आता है, ठीक है, आपको बहुत कम आता है, आपने एंटीरियर किया है 3-4 रूट कैनाल और प्रीमोलर रूट कैनाल आपने कॉलेज में इंटर्नशिप में किया होगा 2-3 पेशेंट से, आप क्यों 2500 रुपए ले पाओगे, पहले पेशेंट आपने क्लिनिक किया, पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, 2500 आप ले पाओगे, आप नहीं ले पाओगे, आपकी अंदर से आपको डर लगेगा कि यार मैं इतना चार्ज कर रहा हूं अगर कुछ खराब हो गया तो, आप कभी नहीं ले पाओगे। अगर उसके बाद आपने अपने 100 RCT कर लिए फिर देखना ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप आराम से बोलोगे सर रूट कैनल का 2000 लगेगा और उसके बाद व्हाट एवर चार्जेस इट इज देयर। तो ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, आप बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, है कि नहीं। तो कोई भी नया डेंटिस्ट है डरिए मत, काम को अच्छे से करिए, पेशेंट को ट्रीट करने का सोचिए, पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए किस तरीके से पेशेंट का भला हो जाए, किस तरीके पेशेंट का पेन कम हो जाए, किस तरीके से पेशेंट का दांत बच जाए। एनी हाउ अगर पेशेंट आपको रूट कैनाल नहीं आता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ कंसल्टेंट को बुलाएं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, एंडो, ओरल सर्जरी, प्रोस्थेटिक्स, पेरियो, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू हैव अ कंसल्टेंट टुडे, सो मेनी MDS डॉक्टर्स आर देयर एंड एफिशिएंट डॉक्टर्स आर देयर। तो आप जाके अपने किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कराइए, टेल इन द चार्जेस ओपनली फ्रेंकली, एंड अगर आप खुद कर रहे हैं तो यू कीप अ रेट विच इज according to your clinic, according to your area, according to your instruments. जैसे आपने 1800 to 2000 रखा या 2200 रखा रूट कैनाल का, you do slowly and take the money in 3 appointments. After a year of practice, you gradually increase it to 2500, then 2700, then 3000. Depends upon how many patients you are getting, how much is your expertise, how well you are working, and that depends upon all those factors. तो कभी भी ऐसे jump मत करिए, and जो कोई भी पेशेंट आए उसको यूनिफॉर्म रेट्स रखिए, ऐसा मत रखिए कि किसी पेशेंट से आप 3000 रख रहे हैं, किसी से आप 3500 रख रहे हैं, किसी पेशेंट से आप 4000 रख रहे हैं, तो ऐसे आप बिल्कुल ना करिए, आप एक ही फिक्स रेट रखिए, एंड ताकि आपको जो भी आप रेट बोल रहे हो उसमें
आपको कॉन्फिडेंस दिखे। अगर आप सपोज क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या होता है कि कुछ पोस्ट लगाना होता है दांत में, तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मनगढ़ंत सा रेट हम बोल देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं, तो फिर ऐसा मत बोलिए। जो एक्चुअल रेट है सपोज 1000 है तो 1000 बोलिए, एंड बिल्कुल क्लियरली बात करिए पेशेंट के साथ, पेशेंट विल बी वेरी हैप्पी। तो यही मेरा आज का बोलना था कि एक्सट्रैक्शन एंड सी द डिफिकल्टी ऑफ द एक्सट्रैक्शन एंड देन ट्रीट द पेशेंट एंड देन चार्ज द पेशेंट। अगर आपको बीटीसीटी कराना जरूरी लगता है कि हाँ पेशेंट का बीटीसीटी करना है, तो बोलिए पेशेंट को, ये मत सोचिए पेशेंट पे कर पाएगा कि नहीं, बीटीसीटी कराऊंगा तो टेस्ट पेशेंट करवाएगा फिर आएगा कि नहीं मेरे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। तो रेट्स जो है आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। जो हाई लेवल डेंटिस्ट जो इनको काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो भी बहुत मेहनत करके ऊपर उठे हैं, ऐसा ही नहीं कि उनको एक बार में फेम मिल गया है, तो आपकी भी फेम जरूर आएगी। एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना नॉलेज शेयर करते रहिए। आज का मेरा यही कहना था, एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको किस टाइप का वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्या मैं बनाऊं, किस तरीके के बारे में बात करूं, और वेदर आपको ओवरऑल, मैंने काफी ज्यादा व्हाइट लीजेंस वगैरह के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं, अबाउट ओएसएम व्हाइट पैचेस, हाउ टू ओपन योर डेंटल क्लिनिक, तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ वीडियोस आई मेक एंड टिल देन डू वॉच माई चैनल, टेक केयर।